बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, योर बायोलॉजी टीचर मैडम फरजाना सुहेल हियर विद द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ यूनिट नंबर 12. द नेम ऑफ दिस यूनिट इज़ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. लेट्स स्टार्ट इट विद द नेम ऑफ अल्लाह. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. यूनिट नंबर 12 में आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा ह्यूमन ब्रेन. ह्यूमन ब्रेन के अंडर हम पढ़ेंगे उसका स्ट्रक्चर और फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. कोऑर्डिनेशन जैसे कि पीछे लेक्चर में हमने देखा कि दो तरह की होती है, दैट इज़ नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन. हमारा टॉपिक है नर्वस कोऑर्डिनेशन. नर्वस कोऑर्डिनेशन के लिए अल्लाह ताला ने दो सिस्टम्स बनाए हुए, दैट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगेन हमारे पास डिवाइडेड होता है इन टू पार्ट्स, दैट इज़ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास वो नर्व्स होती हैं जो हमारे बॉडी पार्ट को हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ एसोसिएट करती हैं या मिलाती हैं. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास सेंसरी डिवीजन और मोटर डिवीजन है. इसको हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में. सबसे पहले हम ब्रेन के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं. ब्रेन हमारी बॉडी का वो पार्ट है जिसको अल्लाह ताला ने सबसे ऊपर हमारे स्कल के अंदर रखा हुआ है. हमारे स्कल का वो पार्ट जिसमें हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है इज़ नोन एज ब्रेन बॉक्स. बायोलॉजी में उस पार्ट ऑफ द स्कल को हम कहते हैं क्रेनियम. क्रेनियम हमारे कुछ बोन्स की फ्यूजन के बाद बनता है. जब हम अंदर ब्रेन की तरफ आते हैं तो ब्रेन को अल्लाह ताला ने थ्री लेयर्स में प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है. दीज लेयर्स आर कॉल्ड मेनेंजेस. मेनेंजेस का फंक्शन है हमारे ब्रेन को किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचाना और साथ साथ हमारे ब्रेन को फिजिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाना. सो दिस इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन. अब हम बात करेंगे अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. फिजियोलॉजी हमारे पास बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑर्गन का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन स्टडी करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द वेट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. ह्यूमन ब्रेन का एवरेज वेट होता है अप्रॉक्सीमेटली 1.4 kg, और ये वेट है इन एन एडल्ट ह्यूमन बींग. एडल्ट ह्यूमन बींग एट द एज ऑफ 22 ईयर्स ऑफ एज, या इसके लगभग जो ह्यूमन बींग होता है तो दैट ह्यूमन बींग इज़ कॉल्ड एन एडल्ट ह्यूमन बींग. अगर 1.4 kg हम ले लें तो ये हमारे वेट का तकरीबन 2% बनता है. वैसे तो हमारा ब्रेन बहुत स्मॉल मास का है, क्योंकि 2% इज़ अ वेरी स्मॉल मास, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शंस परफॉर्म करता है और इसके अंदर 100 billion ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट हैं हमारे ब्रेन के अंदर. न्यूरॉन जिसको हम कहते हैं फंक्शनिंग यूनिट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये न्यूरॉन हमारे पास इस कुराए अर्ज के अंदर जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं उनमें से एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इस न्यूरॉन का भी है. ब्रेन हमारा रिस्पॉन्सिबल है फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़, और इसी ब्रेन की वजह से हर इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होता है. डिफरेंसेस इन इंडिविजुअल की इनके थॉट्स में, इनकी फीलिंग्स में, इनके इमोशंस, टैलेंट्स, मेमोरीज एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, इन तमाम एरियाज़ के अकॉर्डिंगली एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होता है. ब्रेन ना सिर्फ हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है बल्कि हमारे होम्योस्टेसिस को भी कंट्रोल करता है. होम्योस्टेसिस हम अपने प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं. वो प्रोसेस है जिसमें हमारे इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखा जाता है, और इस होम्योस्टेसिस में ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द बॉडी ऑफ द एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स द एनाटॉमी ऑफ द ब्रेन. एनाटॉमी मीन्स टू कट ओपन द बॉडी एंड स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो द ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स. दिस इज कॉल्ड फोर ब्रेन, एंड फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. इसके बाद वी आर हैविंग मिड ब्रेन, और सबसे लोअर साइड पर वी आर हैविंग हाइंड ब्रेन. इन डायग्राम्स में आपको हाईलाइट करके दिखाया हुआ है, दिस इज फोर ब्रेन, आपको ऑरेंज कलर में नज़र आ रहा होगा. देन मिड ब्रेन ह्यूमन बींग्स में ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड होता है. यू कैन सी दैट द लार्जेस्ट वन इज़ फोर ब्रेन, सेकेंड लार्जेस्ट इज़ द हाइंड ब्रेन, एंड द स्मॉलेस्ट एरिया इज़ शोन बाय द मिड ब्रेन. हमारे पास यहाँ ऑरेंज कलर में हमें हाइंड ब्रेन नज़र आ रहा है. दिस इज़ लोकेटेड एट द लोअर साइड ऑफ द ब्रेन. हमारा हाइंड ब्रेन जाके हमारे वर्टेब्रल कॉलम में स्पाइनल कॉर्ड के फॉर्म में कंटिन्यू करता है.
Brain is the main switching unit of central nervous system. It is the place to which impulses means messages from the external environment or internal environment of the body, flows and from which impulses originate. हम ब्रेन को डिवाइड करते हैं इन थ्री पार्ट्स, वो हम पीछे इसको डिस्कस कर चुके हैं. अब हम मूव करेंगे टूवर्ड्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन विच इज़ कॉल्ड फोर ब्रेन. फोर ब्रेन इट इज़ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन, सबसे ऊपर का हिस्सा है ये हमारे ब्रेन का. इट इज़ शोन हेयर इन ग्रे कलर, हमें ग्रे कलर में नज़र आ रहा है. दिस इज़ फोर ब्रेन. इट हैज़ थ्री पार्ट्स, दैट इज सेरेब्रम, थैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम. इन तीनों पार्ट्स को हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द सेरेब्रम. सेरेब्रम हमारे फोर ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट सेक्शन है. जब हम ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा सेरेब्रम वो पार्ट है ब्रेन का जिसमें सबसे ज़्यादा फोल्ड्स होते हैं. हमारे सेरेब्रम के आउटर पार्ट को कहा जाता है सेरेब्रम कॉर्टेक्स. सेरेब्रम कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर मौजूद होता है. हम अगर ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो आउटर साइड ऑफ द ब्रेन इज़ कॉल्ड ग्रे मैटर, जबकि अंदर हमारे ब्रेन का मैटर जो है इट इज़ कॉल्ड वाइट मैटर. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको ग्रे मैटर और वाइट मैटर का डिफरेंस बता दूँ. ग्रे मैटर में हमारे पास वो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिनके एग्जॉन के इर्द गिर्द माइलिन शीट नहीं होती, या फिर हम इनको नॉन माइलिनेटेड एग्जॉन्स या न्यूरॉन्स कहते हैं. सो सेरेब्रम कॉर्टेक्स में दिस इज़ द ग्रे मैटर, और इसमें हमारे पास जितने भी न्यूरॉन्स हैं उनमें माइलिन शीट, उसके इर्द गिर्द माइलिन शीट नहीं होती, जबकि ब्रेन के इनर साइड पे हमारे पास वाइट मैटर प्रेजेंट होता है. वाइट मैटर में जितने भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन तमाम के एग्जॉन के इर्द गिर्द माइलिन शीट प्रेजेंट होती है. दिस इज़ 2 to 4 millimeter थिक कॉल्ड सेरेब्रम कॉर्टेक्स, कंटेन्स बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स. जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है इन द यूट्रस ऑफ द मदर, तो सबसे पहले जो ब्रेन का जिस पार्ट की डेवलपमेंट हो रही होती है दैट इज़ नोन एज सेरेब्रल कॉर्टेक्स. सेरेब्रल कॉर्टेक्स की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा क्विकली होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. चूँकि सेरेब्रल कॉर्टेक्स की डेवलपमेंट बहुत रैपिडली हो रही होती है, इसलिए इसके ऊपर फोल्ड्स बनना शुरू हो जाते हैं. ये अपने ही अंदर ऊपर फोल्ड होना शुरू हो जाता है. इन फोल्ड्स को हम डिवाइड करते हैं इन टू कैटेगरीज़. द फोल्ड्स आर कॉल्ड जेरी. इसमें आपको सेरेब्रम में जितने भी फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं इन तमाम के तमाम फोल्ड्स को हम कहते हैं जेरी, और कॉन्वोल्यूशंस. कॉन्वोल्यूशंस हम कहते हैं फोल्ड्स को. द डीपेस्ट ग्रूव्स बिटवीन द फोल्ड्स आर कॉल्ड फिशर्स. यहाँ पे अगर आप इन फोल्ड्स को देखें तो कुछ फोल्ड्स बहुत ज़्यादा डीप हैं. दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड फिशर्स. यहाँ पे या यू कैन सी दिस डीप ग्रूव हेयर टू विच इज़ नोन एज फिशर. द शेलोअर ग्रूव्स बिटवीन द फोल्ड्स आर कॉल्ड सुलसी. यहाँ पे आप अगर इन फोल्ड्स को आप देखें तो ये सुपरफिशियल है, शेलो है, सिर्फ ऊपर के पार्ट में हैं. दीज आर नोन एज सुलसी. सबसे प्रोमिनेंट फिशर हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल फिशर है जो कि हमारे सेरेब्रम को डिवाइड करता है इन टू हाफ्स. इन हाफ्स की वजह से हम सेरेब्रम को कहते हैं सेरेब्रल हेमिस्फेयर. हेमिस्फेयर मीन्स सेमी सर्कल. ईच हेमिस्फेयर हैज़ फोर लोब्स. द सेरेब्रम इज सब डिवाइडेड इन टू लेफ्ट एंड राइट. बोथ हेमिस्फेयर आर कनेक्टेड बाय अ ब्रिज ऑफ नर्व फाइबर्स दैट रिले इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू हेमिस्फेयर कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम. हमारे दोनों सेरेब्रम एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं है. ये ग्रूव इसको काफ़ी डिवाइड तो कर देता है, लेकिन डीप इनर साइड पे जाके ये दोनों सेरेब्रम, दैट इज़ राइट सेरेब्रम एंड लेफ्ट सेरेब्रम, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग बैंड्स ऑफ सेल्स विच आर नोन एज कॉर्पस कैलोसम. यहाँ पे उसी चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है कि इस हाफ्स की वजह से हम सेरेब्रम को कहते हैं सेरेब्रल हेमिस्फेयर. दे कैन कम्युनिकेट वाया कॉर्पस कैलोसम. दोनों लेफ्ट और राइट साइड एक दूसरे के साथ कॉर्पस कैलोसम के जरिए कम्युनिकेटेड है. सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज़ द आउटर रीजन ऑफ सेरेब्रम. दिस इज़ द समरी ऑफ सेरेब्रम. अब फंक्शंस की अगर हम बात करें सेरेब्रम की, तो सेरेब्रम हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जिसको हम थ्रू आउट द लाइफ सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर आर कॉन्शियस एक्टिविटीज़. इट हेल्प्स इन मूवमेंट. इट कंट्रोल्स स्पीच. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसरी प्रोसेसिंग. सेंसरी ऑर्गन से जो भी मैसेजेस आते हैं तो दीज मैसेजेस आर प्रोसेस्ड
बाय द सेरेब्रम. इट डिटरमाइंस द इंटेलिजेंस ऑफ द बीइंग. हर एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग से इंटेलिजेंस के लिहाज से डिफरेंट है. दिस इज बिकॉज ऑफ सेरेब्रम. यही फंक्शंस नहीं, सेरेब्रम हमें हेल्प करता है इन लर्निंग. ये हमारी मेमोरीज को स्टोर करता है, साथ साथ ये हमें जजमेंट में हेल्प करता है और बहुत सारी हमारी और कॉन्शियस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है हमारा सेरेब्रम पार्ट ऑफ द ब्रेन. हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में हम जो पार्ट ऑफ द ब्रेन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं दैट इज़ सेरेब्रम, बिकॉज इट इज़ हेल्पिंग अस इन लर्निंग. और स्टूडेंट लाइफ में लर्निंग सबसे ज़्यादा पीक पे होती है. हेयर यू कैन सी द लॉन्गिट्यूडनल फिशर. यहाँ पे आपको लॉन्गिट्यूडनल फिशर नज़र आ रहा है जिसने हमारे हेमिस्फीयर को डिवाइड किया हुआ है, हमारे सेरेब्रम को डिवाइड किया हुआ है इन टू हेमिस्फीयर. दिस इज़ नोन एज लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड दिस इज़ नोन एज राइट हेमिस्फीयर. दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट के लेफ्ट हेमिस्फीयर हमारे राइट साइड को कंट्रोल करता है जबकि राइट हेमिस्फीयर हमारी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है. यू कैन सी के राइट हैंड से हम जितने भी काम करते हैं इसको कंट्रोल करता है हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर. और इसी तरह से लेफ्ट हेमिस्फीयर हमारे राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है. हेयर वी आर हैविंग वेरी इंटरेस्टिंग साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन दैट इज़ व्हाई डू वेमेन मल्टीटास्क बेटर देन मेन. दिस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. द ब्रेन इज़ हैविंग फोर लोब्स. यहाँ पे हम जिस लोब की बात करेंगे दैट इज़ पेरिटियल लोब विच इज़ लोकेटेड ऑन द साइड वेज ऑफ द ब्रेन इज़ लार्जर इन मेन देन इन वेमेन. अगर ह्यूमन ब्रेन में मेन और वेमेन के ब्रेन को हम कंपेयर करें तो इनमें पेरिटियल लोब मेन में ज़्यादा लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू वेमेन. अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है. दिस एरिया ऑफ द ब्रेन इज़ थॉट टू कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक दैट मेक अ पर्सन मोर प्रोन टू. मोर प्रोन मीन्स वो ज़्यादा एक्टिवली कर सकता है मैकेनिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग. मोस्टली मेल आर वेरी गुड इन मैथमेटिकल फील्ड्स एज कम्पेयर टू फीमेल. दिस इज़ बिकॉज देयर पेरिटियल लोब इज़ लार्जर. नाउ फीमेल में कॉर्पस कैलोसम वो पार्ट है हमारे ब्रेन का जो हमारे राइट हेमिस्फीयर को लेफ्ट हेमिस्फीयर के साथ कम्युनिकेट करता है. कॉर्पस कैलोसम द स्पेस बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन इज़ लार्जर इन वुमेन देन इन मेन. ठीक है, ये एरिया चूंकि वुमेन में ज़्यादा लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू मेन, सो इसीलिए वुमेन जो हैं तो दे आर कॉल्ड दे कैन डू मल्टी टास्क ऑल टुगेदर. इसमें हमारे पास फीमेल्स दे आर वेरी गुड इन लर्निंग लैंग्वेजेस इन टेकिंग इन्फॉर्मेशन और इमोशंस को फीमेल ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती है एज़ कम्पेयर टू मेन. सो वेमेन आर सुपीरियर इन अंडरस्टैंडिंग द सबिलिटीज ऑफ रिलेशनशिप्स इमोशन ओवर टॉन्स एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस. हेयर वी आर हैविंग एन एक्टिविटी. बाई लुकिंग एट द एक्टिविटी एट द बेस इट इज़ रिटन योर राइट ब्रेन. राइट ब्रेन मीन्स राइट हेमिस्फीयर ट्राइज टू से द कलर बट योर लेफ्ट ब्रेन इंसिस्ट्स ऑन रीडिंग द कलर. हर एक कलर, हर एक नेम आपको डिफरेंट कलर में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है. जब आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे सो आपको पता चलेगा कि आपके दोनों पार्ट्स ऑफ द ब्रेन थोड़ी देर के लिए कॉन्ट्रडिक्शन में आ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल येलो इज रिटन विद ग्रीन एंड हियर द इंस्ट्रक्शन इज लुक एट द चार्ट बिलो एंड से द कलर नॉट द वर्ड. आपने सिर्फ कलर कहना है. यहाँ पे राइट और लेफ्ट ब्रेन में फॉर द टाइम बींग थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती है एंड दिस इज एन एक्टिविटी विच विल हेल्प यू इन टेस्टिंग द फंक्शंस ऑफ राइट एंड लेफ्ट ब्रेन. सो दैट्स वाई इट इज लेफ्ट राइट कॉन्फ्लिक्ट. दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड लेफ्ट राइट कॉन्फ्लिक्ट. Now we are having the second part of the forebrain which is known as thalamus. Thalamus is located here. यहाँ पे इन्होंने thalamus की location आपको दिखाई गई है. Position है, it is located above the brain stem and between the cerebral cortex. Cerebral cortex अभी हमने previous slide में discuss किया which is also known as grey matter and midbrain. ये दोनों के दरमियान में located है. Here the midbrain is present and here cerebral cortex. इसके दरमियान में हमारे पास जो part present है it is known as thalamus. फंक्शन है, इट कैरीज सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टू सेरेब्रम एंड द लिम्बिक सिस्टम. मीन्स ये एक रिले स्टेशन का काम करता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को कनेक्ट करता है विद द सेरेब्रम.
Hypothalamus and pituitary gland, this is also a part of the forebrain. Hypothalamus position hai iski, it lies under the thalamus. Ye thalamus ke niche, here it is present. Function hai, it connects the nervous system with endocrine system via pituitary gland. Isme humare paas bahut important endocrine gland present hai, which is called pituitary gland. Pituitary gland different type of hormones produce karta hai, jo ke baaki glands ki production ko bhi control karta hai. पिचुटरी ग्लैंड, इट इज़ अ पी शेप्ड स्ट्रक्चर, बिल्कुल मटर के दाने की तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के अलावा ये बाकी भी इस मुख्तलिफ टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, और ये हार्मोन्स अपना फंक्शन करते हैं इन फंक्शनिंग ऑफ द डिफरेंट ग्लैंड्स. नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द फोरब्रेन इज लिम्बिक सिस्टम. हेयर यू कैन सी द लिम्बिक सिस्टम, इट इज़ ड्रॉन इन हेयर, इट इज़ प्रेजेंट इन पिंक कलर. It is an arc-shaped structure between thalamus and cerebrum. Thalamus or cerebrum ke darmiyan iski location hai. It controls responses like hunger, fear, thirst, anger and sexual responses, etc. So, this is about the limbic system. Now we are going to move towards the midbrain. Midbrain human beings mein bahut zyada reduced hota hai, or we can say that this is the smallest part of the brain. Here, with the help of this diagram, you can see the picture of the location of the midbrain. यहाँ पे आपको location बताई गई है of the midbrain. It is located below the cerebral cortex. Cerebral cortex के नीचे है and hindbrain के ऊपर, दरमियान में ये वाक़या है, इसीलिए इसको हम कहते हैं midbrain. इसका फंक्शन है टू कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी के रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को ये कंट्रोल करता है एंड हेयरिंग रिफ्लेक्सेस टू. So this is about the midbrain. Between the diencephalon and the pons, it also acts as a relay station. ये मिलाता है, relay station है, ये two different parts of the brain को एक दूसरे के साथ मिलाता है. Between the lower centers and the higher center, lower center is the hind brain and higher center is the forebrain. But also contains important visual and auditory reflex centers as well as motor pathways that connect cerebrum to the cerebellum. अब हमारे पास last part of brain आ रहा है, which is called hind brain. Hind brain ये हमारे पास brain का last part है. It is located here. ये हमारे पास जो part of the brain है, this is called hind brain. It is present at the back side of the brain. Parts इसको के कौन कौन से हैं? Cerebellum, pons एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. सेरिबेलम, पोन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये हमारे पास हाइंड ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेरिबेलम को. सेरिबेलम सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का. इट इज़ हैविंग लार्ज नंबर ऑफ कॉन्वोल्यूशंस, ये बहुत ज़्यादा फोल्डेड है. द हेयर सेरिबेलम इज़ प्रेजेंट. इट इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स लिटल ब्रेन. पोजिशन है इसकी, इट इज़ लोकेटेड एट द बैक साइड ऑफ द हेड. फंक्शन है, इट कंट्रोल्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड कोऑर्डिनेट्स द वॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी. अगर आपसे नीचे कुछ गिर गया है, आपका पेन गिर गया है, जब आप उसको झुकते हैं उठाने के लिए और आप उसको उठा के सीधे खड़े होते हैं, दिस इज़ बिकॉज ऑफ योर हेल्दी सेरिबेलम. इसके साथ साथ हमारी मूवमेंट, एक टांग का उठना आगे जाना, दूसरी टांग का पीछे रह जाना, दिस इज़ आल्सो बिकॉज ऑफ द सेरिबेलम. सो सेरिबेलम हमारे बैलेंस्ड मूवमेंट को कंट्रोल करता है. सेरिबेलम के साथ बॉडी का बैलेंस, हमारे इनर एयर का भी फंक्शन है. दोनों मिलके हमारे बैलेंस्ड गेट को और हमारी बैलेंस मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं. दिस इज़ अबाउट द सेरिबेलम. नाउ वी आर हैविंग द पोन्स. पोन्स मीन्स ब्रिज. So again, pons का function is meaning of the name bridge है. ये एक bridge है which is going to communicate two parts of the brain with each other. It is located above medulla. Medulla oblongata के ये ऊपर present है. Here you can see this is the pons part of the brain. It controls sleep as well as rate and pattern of breathing. ये हमारी नींद के patterns को और साथ साथ हमारी rate of breathing को control करता है. जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारी रेट ऑफ ब्रीदिंग ज़्यादा हो जाती है. जब हम डीप डाउन सो जाते हैं तो हमारी रेट ऑफ ब्रीदिंग कम हो जाती है. सो दिस इज़ कंट्रोल्ड बाय द पोन्स पार्ट ऑफ द ब्रेन. मेडुला ऑब्लोंगेटा सबसे लास्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का. इट इज़ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन. फंक्शन है, इट कंट्रोल्स
ऑटोमेटिक एक्शंस, या फिर हम इन ऑटोमेटिक एक्शंस को इनवॉलेंटरी एक्शंस भी कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हमारी ब्रीदिंग, हमारा हार्ट बीट, हमारी स्वॉलोइंग या ब्लड सर्कुलेशन, ये तमाम हमारे इनवॉलेंटरी फंक्शंस है या ऑटोमेटिक फंक्शंस है. इनको कंट्रोल करता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा. मेडुला ऑब्लोंगेटा आगे जाके हमारे स्पाइनल कॉर्ड में एलोंगेट कर जाता है. हेयर वी आर हैविंग सम क्वेश्चन आंसर्स. वी आर, इफ़ यू हैव लिसन टू द लेक्चर केयरफुली, नाउ यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर वन इज डिस्क्राइब फोर ब्रेन विद इट्स डिफरेंट पार्ट्स. क्वेश्चन नंबर टू इज वट इज सेरिबेलम, वट आर इट्स फंक्शंस. सो यू आर गोइंग टू आंसर दीज टू क्वेश्चन. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर बींग हेयर विद मी. अल्लाह हाफिज़.